Good morning students become semester three, cost accounting one. Uh, हमारा एक ऑलरेडी वीडियो बिकॉम सेमेस्टर थ्री का कॉस्ट अकाउंटिंग का है जिसमें मैंने सिलेबस का आपको इंट्रोडक्शन दिया है और साथ में ही मैंने आपको डायरेक्ट लेबर जो चैप्टर है उसके फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन दिया है तो आज हम क्या करेंगे तो आज हम डायरेक्ट लेबर के सम करेंगे एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो दैट डरेक्ट लेबर इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आराम से आ सकते हैं सो वी विल वी शुड वर्क हार्ड ऑन दैट थिंग बिकॉज अगर आप मार्क्स आराम से आ सकते हैं तो बिल्कुल लेने चाहिए तो वी विल स्टार्ट विथ सम नंबर थर्टी टू ओके सो राइट नाउ आई एम हैविंग द एडिशन ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी सो सम नंबर थर्टी टू आपको मिलेगा पेज नंबर थ्री एटी फोर पर सुधीर प्रकाशन थर्टी टू नंबर का जो सम है आ, पहले मैं आपको टाइम वेज और पीस वेज सिस्टम के हिसाब से आ, सम कराऊँगी डायरेक्ट वेजेस कैसे ढूंढते हैं वो बताऊंगी देन हेल्सी एंड रोवन प्लान जो मैंने आपको सिखाया है ओके okay? तो जो लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला सिखाए हैं मैंने आपको इस वीडियो में उसके सम्स देखने को मिलेंगे ओके स्टार्ट सम नंबर हियर आई एम रीडिंग द सम मैं सम पढ़ रही हूँ अ वर्कर इज अलाउड टेन आवर्स टू कम्पलीट अ जॉब ऑन टाइम वेजिस रुपीज फोर पर आवर ही कम्पलीट्स द जॉब इन एट आवर्स कैलकुलेट द वेज पेबल टू द वर्कर ऑन टाइम वेज सिस्टम एंड हेल्सी वेस्ट सिस्टम टाइम वेज और हेल्थी वेज सिस्टम के हिसाब से हमें डायरेक्ट वेजेस ढूंढने हैं uh, मैंने आपको टाइम वेजेस और पीस वेज सिखाया है तो पहले टाइम वेज हेल्थी वेज के साथ मैं टाइम वेज और पीस वेज दोनों का ही आपको ढूंढ के दिखाती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू हैव टू डू सो दिस इज़ सम नंबर थर्टी टू पेज नंबर थ्री एटी फोर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अच्छे से लिख लेंगे इन्फॉर्मेशन है टेन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब यहाँ पर आप देखिए कि वर्कर को दस घंटे लगते हैं काम करने के लिए वेज रुपीज़ फोर पर आवर है और वो काम ही कम्प्लीट द जॉब वो काम आठ घंटे में ख़त्म करता है तो टाइम अलाउड इज टेन आवर्स सबसे पहले एग्जाम में भी आपको यही करना है कि आपको इंफॉर्मेशन को अच्छे से शॉर्ट uh, में लिख लेना है टाइम अलाउड इज टेन आवर्स देन टाइम टेकन उसने कितने घंटे में काम खत्म किया दैट इज योर टाइम टेकन टाइम टेकन इज एट आवर्स एंड देन वन मोर थिंग दैट इज हाउ मैनी हाउ मच वेज वेज रेट तो वेज रेट जो दिया है दैट इज़ पर आवर सो योर वेज रेट इज रुपीज़ फोर पर आवर ओके सो यर वी विल राइट डाउन रुपीज़ फोर ओके सो ये हमारा फार्मूला है टाइम वेज सिस्टम का टी इंटू आर वॉट इज टी एंड टी ए इं टू आर तो टाइम वेज इज टी इन टू आर देट इज़ टाइम टेकन एंड पीस वेज में टी ए हम लिखते हैं ए इज अलाउड दिस इज टाइम टेकन टाइम टेकन इज एट आवर्स रेट इज़ रुपीज़ फोर सो आवर आंसर इज थर्टी टू रुपीज वेरी सिंपल ओके पीस वेज उन्होंने कहा नहीं है ढूंढने का लेकिन हम ढूंढ रहे हैं ताकि आपका टाइम पीस दोनों का ही प्रैक्टिस uh, हो जाए टाइम अलाउड कितना है तो टाइम अलाउड है टेन आवर्स सो टेन आवर्स एंड वेज इज रुपीज फोर सो फोर्टी रुपीज इज योर आंसर फॉर पीस वेज नाउ इट्स टाइम फॉर हेल्थी प्लान हेल्थी प्लान का फॉर्मूला ये है ई इज इक्वल टू टी इन आर प्लस फिफ्टी परसेंटेज ऑफ टी एस इन आर यानी कि आपका टी इंटू आर क्या है तो ऊपर जब आपने टाइम वेज ढूंढा हुआ है तो टी इंटू आर आपका ऑलरेडी है थर्टी टू रुपीज सो हियर यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन थर्टी टू प्लस फिफ्टी परसेंटेज और फिफ्टी परसेंटेज की जगह आप वन अपन टू वन हाफ भी लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो फिफ्टी परसेंट टाइम सेव टाइम सेव आपने कितना टाइम बचाया तो 10 घंटे आपको अलाउड थे आपने 8 घंटे लिए हैं यानी आपका टाइम सेव हुआ टू आवर्स सो टू आवर्स इन टू रुपीज़ कितना आपका वेज रेट है आपका वेज रेट है फोर रुपीज़ सो हेयर थर्टी टू प्लस टू फोर जट एट, एट का आधा फोर सो यर आंसर इज थर्टी सिक्स रुपीज़ आई होप यू गेट द पॉइंट यहाँ पर हमें फिफ्टी परसेंट का मतलब होता है हाफ आधा वन अपॉन टू जो भी आपका है सो टू इंटू फोर एट और एट का आधा फिफ्टी परसेंट यानी फोर तो आपका आंसर आएगा थर्टी सिक्स रुपीज ओके नाउ नेक्स्ट सम इज सम नंबर फोर्टी फोर सम नंबर फोर्टी फोर गुजरात यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड ट्वेल्व में पूछा हुआ है लेट सी दिस सो दिस इज योर सम नंबर फोर्टी फोर हर इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री फॉर स्पेसिफिक वीक एक वीक का कोई भी एक स्पेसिफिक वीक का इंफॉर्मेशन है एक्चुअल प्रोडक्शन 600 हंड्रेड यूनिट इन सिक्सटी आवर्स पर आवर वेज रेट इज रुपीज़ एट स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन पर यूनिट ट्वेल्व मिनट्स आपको रोवन और हेल्सी प्लान से ढूँढना है क्योंकि यूनिवर्सिटी आस्किंग ने हेल्सी और रोवन प्लान ढूंढने को कहा है तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट ये लोग दे सकते हैं आपको तो किस तरह से तो यहाँ पर पहले मैं एक वर्किंग नोट आपको दिखाती हूँ कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है सिक्स हंड्रेड यूनिट्स सिक्स हंड्रेड यूनिट्स जो बनाने में आपको सिक्सटी आवर्स लगते हैं ओके okay? सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट तो आपको जो टाइम लगता है दैट इज़ सिक्सटी आवर्स लगते हैं सिक्स हंड्रेड यूनिट्स बनाने के लिए तो हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो ये दी है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है तो हमें एक यूनिट बनाने में बारह मिनट लगते हैं दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक है ये आपके बुक की ही इंफॉर्मेशन है कि वन यूनिट बनाने में बारह मिनट लगते हैं तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो सिक्स हंड्रेड यूनिट्स बनाने में कितने मिनट्स लगेंगे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तो सिक्स हंड्रेड यूनिट बनाने में ट्वेल्व इंटू सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व इंटू सिक्स हंड्रेड योर आंसर इज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड मिनट्स मिनट्स है ना इसलिए इतना लगेगा सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो उसको डिवाइडेड बाय सिक्सटी अगर हम करते हैं तो वन ट्वेंटी आवर्स आएंगे ये आपको समझ में आया ना मिनट्स को आवर्स में करने के लिए सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय क्या क्या करना पड़ेगा सिक्सटी मिनट्स मिनट्स तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी आवर्स यानी कि सिक्स हंड्रेड यूनिट्स बनाने में आपको वन ट्वेंटी आवर्स लग लगे हैं ये दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम Uh, जो आपको दिया है और एक्चुअली आपने कितना टाइम लिया है तो आपने सिक्सटी आवर्स लिया दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन ये हो चुका है एंड दिस वन इज स्टैंडर्ड दिस इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ये आप सोचते हैं ये हुआ है ओके चलिए अब हम सम करते हैं तो इसके बाद आपका सम आसान हो जाएगा रोवन प्लान में आपका फॉर्मूला है टी इन आर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इज वॉट डब्ल्यू इज द सेम थिंग टी इन आर ये मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ सो इन टू टी एस अपॉन टी ए टाइम टेकन इन टू वेज रेट टाइम आपने कितना लिया तो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से हमने साठ घंटे लिए हैं तो सिक्सटी आवर्स और रेट हमारा कितना था तो रेट इज ऑल्सो गिवन एट रुपीज़ प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इज द सेम सिक्सटी इंटू एट फोर एटी इन टू टाइम सेव्ड अब वन ट्वेंटी आवर्स स्टैंडर्ड वन ट्वेंटी आवर्स स्टैंडर्ड्स है और सिक्सटी आवर्स हमने लिए हुए हैं तो इस हिसाब से सिक्सटी आवर्स इज सेव्ड तो यहाँ पर टाइम सेव्ड आएगा सिक्सटी टाइम अलाउड इज़ वन ट्वेंटी ओके okay. फिर से टाइम टेकन इज 60 कैसे आया तो हियर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 60 आवर्स 600 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या दिया हुआ था तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ये दिया हुआ था कि 7200 टू यूनिट्स आए थे यानी 120 ट्वेंटी आवर्स यानी अलाउड जो है 120 ट्वेंटी आवर्स है और एक्चुअल इज कंसिडर्ड एज अ टाइम टेकन तो दैट इज सिक्सटी आवर्स तो उस हिसाब से हमने सिक्सटी आवर्स की बचत की है दैट इज़ टाइम सेव्ड तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फोर प्लस इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सो योर आंसर इज़ टू हंड्रेड एंड फोर्टी दोनों का अगर टोटल करते हैं तो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ विच इज़ अंडर ओ वन प्लान और वेजेस डायरेक्ट वेजेस विल बी सेवन ट्वेंटी रुपीज़ ओके चलिए उसी तरह हेल्थी प्लान का करना है फॉर्मूला में लिख चुकी टी इन आर सो so, टी इन आर अब वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं हम आगे कर चुके हैं फोर एटी आगे मतलब ये सिक्सटी इंटू एट फोर एटी प्लस फिफ्टी परसेंटेज फिफ्टी परसेंटेज कितना टी एस का टाइम सेव्ड का टाइम सेव्ड इज ऑल्सो सिक्सटी रेट इज एट सो हियर इट इज़ फोर एटी प्लस फोर एटी अगेन और उसका आधा दैट विल बी टू फोर्टी सो फोर एटी प्लस टू फोर्टी योर आंसर इज सेवन ट्वेंटी अगेन दैट इज़ रुपीज सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वन प्लान एंड हेल्थी प्लान एज पर अवर कैलकुलेशन दोनों ही हिसाब से अगर वेजेज काउंट करते हैं तो वेजेस सेम ही आएंगे ओके चलिए अगर अब हम करते हैं सम नंबर टू विच इज़ from लेटेस्ट एग्जाम एंड आस्क इन गुजरात यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड थर्टीन लेट सी सो सम नंबर टू गुजरात यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड थर्टीन काफ़ी अच्छा सम है यूनिवर्सिटी में पूछने लायक सम है मीरा पिंकी एंड राजू आर थ्री लेबरर्स इन अ फैक्ट्री स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज़ ट्वेंटी फाइव आवर्स आप कितना टाइम अलाउड करते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आवर्स तो जो चीज़ बहुत क्लियरली दे दी है उसे हम लिख देते हैं टाइम अलाउड

कितना वेजेस हम पे करेंगे नीचे की मेथड के हिसाब से पीस वेज हेल्थी वेज एंड रोवन वेज तो चलिए शुरू करते हैं एक चीज याद रखें पीस वेज तीनों में सेम ही आएगा क्योंकि पीस वेज का फॉर्मूला ये कहता है कि वॉट एवर यू हैव टाइम वॉट एवर टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाई रेट टाइम अलाउड कितना है ट्वेंटी फाइवर्स तो ट्वेंटी फाइवर्स इन फोर्टी सो एयर आंसर इज वन थाउजेंड रुपीज राइट सो दिस इज एज पर पीस वेज पीस वेज में आपको अलग अलग ढूंढना नहीं है लेकिन हेल्सी प्लान का फॉर्मूला ये है और यहाँ पर हर बार अलग आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू योर लेबरर्स क्योंकि आपका टाइम सेव्ड टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन इन तीनों में टाइम अलाउड इज सेम बट टाइम टेकन इज डिफरेंट ओके सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन पहला जो भी हमारा लेबर है उससे हम शुरू करते हैं तो पहले जो लेबर का नाम है दैट इज मीरा सो वी विल स्टार्ट विथ मीरा मीरा का अगर हम फार्मूला देखें फार्मूला तो हमारा सेम ही होगा तो अब हम देखते हैं कि मीरा ने कितना टाइम लिया टाइम टेकन तो वो उसने पहले ही लिख के दे दिया है तो मैं फर्स्ट नाम फर्स्ट जो ल, 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 लेटर है सपोज एम मीरा फिफ्टीन आवर्स दिस इज़ टाइम टेकन हाँ पिंकी पी विच इज़ ट्वेंटी आवर्स एंड द लास्ट वन राजू आर टेक ट्वेंटी फाइव आवर्स सो टाइम टेकन बाई दिस लेवर सो लेट स्टार्ट सबसे पहले मेरा टाइम टेकन इज़ फिफ्टीन आवर्स सो फिफ्टीन इंटू फोर्टी रेट इज़ सेम प्लस फिफ्टी परसेंट वन हाफ़ टाइम सेव ट्वेंटी फाइव आवर्स यू आर अलाउिंग ही इज टेकिंगी शी इज टेकिंग फिफ्टीन आवर्स सो योर टाइम सेव्ड इज टेन राइट सो टेन इंटू फोर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस वन हाफ़ फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड का आधा कर दें सिक्स हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड एंड योर आंसर इज एट हंड्रेड रुपीज़ सो फॉर मीरा वी नीड एट हंड्रेड रुपीज़ हम मीरा को कितना पे करेंगे आठ सौ रुपये उसी के बाद तुरंत ओके सो पिंकी टी इंटू आर पिंकी ने कितना टाइम लिया है तो पिंकी का जो टाइम टेकन है ट्वेंटी आवर्स है ट्वेंटी इंटू फोर्टी फिफ्टी परसेंट यानी कि वन हाफ टाइम सेव्ड कितना है आप टाइम अलाउ करते हो ट्वेंटी फाइव आवर्स ही पिंकी शी हैज़ टेकन ट्वेंटी आवर्स डिफरेंस इज फाइव इन फोर्टी रेट विल भी सेम एट हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड प्लस वन हाफ एंड टू हंड्रेड एट हंड्रेड टू हंड्रेड का आधा वन हंड्रेड एंड योर आंसर इज नाइन हंड्रेड रुपीज वेज रेट चलिए लास्ट में है राजू आर फॉर्मूला विल भी सेम ई वाला टी इं टू आर टाइम टेकन राजू हैज राजू इज गोइंग टू टेक ट्वेंटी फाइव अवर्स सो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी प्लस फिफ्टी आवर्स फिफ्टी परसेंट सो वन हैव टाइम सेव्ड टाइम टेकन एंड टाइम अलाउड बोट ट्वेंटी फाइव सो आंसर इज जीरो इंटू फोर्टी तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे का सारा जो है वो जीरो हो जाएगा बिकॉज दिस आंसर विल भी जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई दिस विल भी जीरो सो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी योर आंसर इज वन थाउजेंड रुपीज डैट्स इट ओके सो दिस इज दिज ऑल आर सम हैविंग दिस टाइम वेज एंड पीस वेज एज वेल एज हेल्थी एंड रोवन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं ये ये यूनिवर्सिटी आस्किंग है इस तरह के सम्स पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ लेबर टर्न रेट जिसका फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन बाकी है तो नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के बाद साथ एल के सम्स यानी कि लेबर टर्न के मैं सम्स कराऊँगी ओके स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय